मंगलोर में शनिवार को बालाजी स्वीट शॉप में गैस सिलेंडर फटने से हुए हादसे के मामले में पुलिस ने दुकान स्वामी के खिलाफ लोगों का जीवन खतरे में डालने और गैर इरादतन हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। हादसे के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। शनिवार को मंगलोर के मुख्य बाजार स्थित श्री बालाजी स्वीट शॉप में लोग प्रतिदिन की तरह खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग वहीं बैठकर नाश्ता कर रहे थे। इस दौरान वहां पर एक भयानक विस्फोट हुआ जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए थे। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सैंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस को निर्देशन किए कि मामले की तत्काल जाँच की जाए और आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल में पाया कि प्रथम दृष्टया से गैस रिफिलिंग के चलते धमाका हुआ है। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ चौकी प्रभारी की ओर से मुकदमा है। इसमें कहा गया है कि आरोपी दुकानदार की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया था तथा उसके द्वारा भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर किया गया है। वही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक IPS हिमांशु वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दे दी गई है। उसमें जब सबसे पहले तो हमारी यही कोशिश थी कि जितने भी हमारे इंजर्ड हैं, जितने भी घायल लोग हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाला जाए। उनको हमने जो हमारा सबसे पहला काम था, उनको बाहर निकाला गया, हॉस्पिटल भेजा गया। उनकी डिटेल्स हमने सारी नोट कर ली हैं, कौन डिस्चार्ज हो गया है, किसकी क्या हालत है, वो सारी डिटेल्स हमने नोट कर ली हैं। कुछ लोग अभी भी एडमिट हैं, जो हमने देहरादून रेफ़र कर दिए, जो थोड़े क्रिटिकल थे वो हमने देहरादून रेफ़र कर दिए थे। उसके बाद फिर वहाँ से हमने जो है पूरा वहाँ पर खुदाई करवाई, वहाँ पर देखा गया कि क्या क्या हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, मुकदमा एक पंजीकृत हमने कर दिया है जो दुकान वाले के खिलाफ। उसमें क्या हो रहा था कि वहाँ पे गैस रिफिलिंग वगैरह का भी हमें जो है कुछ एविडेंसेस मिले हैं, तो उसको देखते हुए हमने मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। जी बिल्कुल, अभी जो है हम दिवाली से पहले हमारा एक ये भी काम है कि हम जाके दो चार जगह पे या जितने भी हमारे को पॉसिबल हो सकेगा जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनको भी बुलाएंगे और उनके साथ पुलिस भी जाके जो है यहाँ पे छापेमारी करेगी कि जहाँ जहाँ भी ऐसा इलीगल रिफिलिंग का काम चल रहा है वो बंद हो, ताकि ऐसी घटनाओं को हम आगे जो होने से रोक सकें।